शुभागमन हो रहा है देवर्षि? सीधे आपके पीहर से, दक्ष प्रजापति की राजधानी से आ रहा हूँ जगदम्बे। मेरे बेटे होकर आ रहे हैं? कहिए, मेरे माता पिता तो कुशल पूर्वक हैं। परिवार के सब लोग आनंद में? सब आनंद में ही हैं। महायज्ञ की तैयारियां हो रही हैं, इसीलिए आपके माता पिता काम काज में बहुत व्यस्त हैं और आपकी सभी बहनें भी वहां पहुंच चुकी। लेकिन हमें तो अभी तक न्योता भी नहीं मिला। देवी, वो हमें न्योता भी क्यों दे? रुद्राक्ष की मालाएं, विष भरे सांप, भूत पिशाचों का दल, महाराज दक्ष के दरबार में क्या शोभा देगा? फिर भी नाथ, आप उनके जमाता हैं, आपको तो वहां जरूर जाना चाहिए। देवी ठीक कहती हैं भगवान। न्योता बिना हम कहीं नहीं जाया करते मुनिराज। मैं तो जाऊंगी। पीहर जाने के लिए पुत्री को नौते की क्या जरूरत? लेकिन आपकी माताजी ने कहलाया है कि आपके आने की कोई खास जरूरत नहीं। अगर माताजी ने ना कहलाया है तब तो मैं जरूर जाऊंगी। भगवंत, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। न्योता बिना जाना अपमान को न्योता देना। वहां न जाओ तो ठीक, आपने और पिताजी ने झगड़ा है तो आप ना जाइए। मुझे तो जाने दीजिए, मैं झगड़ा मिटाकर ही आऊंगी। ठीक ही तो है भगवान, जाने भी दीजिए ना, अच्छे काम में देर काहे की। अच्छा देवी, अगर तुमने जाने की ही ठान ली है तो जाओ, परंतु नंदीश्वर और कुंभ को साथ लेती जाओ। और मातेश्वरी, आपकी माताजी ने यह भी कहलवाया है कि अगर आपको आना ही हो तो ये जोगन का वेश और रुद्राक्ष की मालाएं वगैरह उतार के सुंदर रेशमी वस्त्र और हीरे मोती के आभूषण पहनकर आना। हाँ, द्वारपा, इस जोगन पान भंडार में ले जा, वहां तुझे भिक्षा मिल जाएगी। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। मेरी पुत्री राजकन्या हो सकती है, जोगन नहीं। अगर तेरे पति के पास गहने कपड़े नहीं तो मुझसे मांग ले। मेरे पति के पास किस चीज की कमी है? वो त्रिलोकी नाथ है, सारा संसार उनका दिया खाता है, उनका दिया पहनता है। तभी तो वो महल के बदले मसान में रहता है। हीरे मोती की जगह रुद्राक्ष
और रेशमी वस्त्रों के जगह चमड़ा पहनता है, ऐसा है वो तेरा त्रिलोकीनाथ। जिन्होंने देवताओं को अमृत पिलाकर खुद जहर पिया, ऐसे योगेश्वर को आप जैसे अहंकारी क्या पहचाने। ये मत भूल कि तू मेरी पुत्री है। और आप भी ये मत भूलिए कि मैं उन योगेश्वर की पत्नी हूँ जिनकी आप निंदा कर रहे हैं, और कोई भी स्त्री अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। निंदा ही क्या, ना तो इस सभा में तेरे पति के लिए कोई आसन है, ना इस यज्ञ में उसका कोई भाग है, उसे न्योता भी नहीं दिया गया। यदि तेरी तरह वो भी आ जाए तो उसे थक्के मारकर बाहर निकाल दूं। बस बस अब नहीं सहा जाता। रदेश्वर, मैंने आपका कहा नहीं माना, अब कौन सा मुंह लेकर आपकी शरण में आओ। अग्निदेव, तुम साक्षी हो, जन्मों जन्म मैं भगवान शंकर को ही पति के रूप में पाऊं। हर हर महादेव। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का सर्वनाश कर दो, बर्बाद कर दो, जाओ। महामंत्री में प्रजापति दक्ष का नाश हुआ, मारे डर के देवतागण भागे जा रहे हैं। देवलोक जीतने का यही समय है, सेना को इंद्रपुरी पर चढ़ाई करने की आज्ञा दो, जाओ। देवराज इंद्र का राजमुकुट, मैंने उसके गर्व का खंडन करके आपके अपमान का पूरा पूरा बदला ले लिया। धन्य हो पुत्र, आज मैं हर्ष से फूली नहीं समाती। वीर पुत्र हो तो ऐसा हो। पसंद आया? क्या कहने हैं महाराज, चारों तरफ आनंद ही आनंद है। पर सवाल यह है महाराज कि इन हारे हुए देवताओं को रखा कहां जाए? इन दुष्टों को आकाश में उल्टा लटका दो। नहीं बेटा, हारे हुए शत्रुओं के साथ ऐसा बर्ताव करना तुझे शोभा नहीं देता। जैसी आपकी इच्छा माता जी, इन्हें हमारे स्वर्ग से निकाल दो। मंत्री में सचमुच ये तुम्हारी ही माया का प्रताप है कि देवलोक पर हमारी विजय हुई। अब अपनी कला से हमारे लिए तीन लोक में ऐसे तीन दुर्ग बना दो जिन्हें कोई नहीं जीत सके। जैसी स्वामी की आज्ञा। महामंत्री जी, दुर्ग बनाने से पहले छुपी हुई अप्सराओं का नाच दिखवाइए, तब हम आपकी माया वाया को माने। हाँ 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 महामंत्री। जैसी स्वामी की इच्छा। Thank you.
पहले तो भोग विलास में झूम उठते थे और अब कानों में उंगलियां डाले बैठे हैं। हर हर शंभो। मुनिराज, देख रहे हैं आप हमारी और देवराज इंद्र की दुर्दशा, दया कीजिए। दया? हाँ वो तो है ही वरुण देव, पर ये तो आप जानते हैं कि जो जसकिन सो तस फल चाखा। करनी का फल चख लिया मुनिराज, अब तो कृपा करके स्वर्ग में कहीं थोड़ा सा स्थान रहने के लिए दिलवा दीजिए। स्वर्ग से तो हम निकाल ही दिए गए और भूलोक में हमें जाने का अधिकार नहीं। कब तक अधर लटके रहेंगे मुनिराज? धीरज रखिए, देखता हूँ। हर हर महादेव। महाराज, ये ऋषि अभी तक देवताओं का यज्ञ करते हैं। ये हमारा अपमान है ऋषियों, अब देवताओं का नहीं हमारा यज्ञ होगा। महाराज, ये गंधर्व अभी तक देवताओं की स्तुति गाते हैं। हमारे राज्य में रहकर शत्रुओं के गुण गाना द्रोह है, आज से हमारी स्तुति गाया करो। महाराज, ये किन्नरियां कहती हैं कि हमारे लगन हो चुके हैं, हमारे पति भी जीवित हैं, इसलिए हम तुम्हारा संसार नहीं बसाएंगी। क्यों नहीं बसाएंगी, इन्हें बसाना ही पड़ेगा, हमारी आज्ञा है। महाराज, अगर न माने तो? हमारी आज्ञा न मानने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा। जाओ। ठहरो। तारक, तुझे सत्ता इसलिए नहीं मिली कि तू अन्याय और अत्याचार करे। सिंहासन पर बैठने वाला प्रजा का भक्षक नहीं, रक्षक होता है। सिंहासनपति जिस दिन रक्षक नहीं रहता, उस दिन भगवान की लाठी उसे तोड़ फोड़ कर रख देती है। हर हर महादेव। अच्छा माता जी, आपकी जैसी इच्छा होगी मैं वैसा ही करूंगा। तो मेरे लाल, छोड़ दो इन सबको। जो आज्ञा। सैनिकों, छोड़ दो इन्हें। राम माधव राम की जय। बेटा, राज इस तरह करना चाहिए कि लोग दिल से राजा माने, न कि जबरदस्ती मनवाना पड़े। हर हर महादेव। आहा, आप जैसी माताओं के दम से ही विश्व में अभी तक उजाला है, नहीं तो कभी का अंधेर हो चुका होता। मुनिराज, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा? सेवा तो समझे, परंतु बेचारे देवताओं को विश्व में रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं। जरा अपने पुत्र से कह सुनकर उन्हें स्वर्ग में थोड़ी सी जगह दिलवा दीजिए। ये कभी नहीं हो सकता मुनिराज। नहीं बेटा, तुम त्रिलोक विजेता हो, देवताओं को इस स्वर्ग के किसी कोने में पड़ा रहने दो। नहीं, महाराज, देवताओं पर कभी विश्वास न कीजिए, उंगली पकड़ के पोछा पकड़ लेंगे। आज थोड़ी सी जगह मांगी है, कल महल मांगेंगे और परसों इंद्रासन पे दांत जमाएंगे। परवाह नहीं, मैं माता जी की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। देवताओं ने मुझसे भीख मांगी, दे दूंगा थोड़ा सा स्थान। ये मेरा बिगाड़ ही क्या सकते हैं, मैं अजय हूं, अमर हूं। आप हंस रहे हैं मुनिराज, ये मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। तारकासुर को मारने वाला त्रिलोक में कोई पैदा नहीं हुआ। जब किसी के सर पर अहंकार का भूत सवार हो जाता है तो वो आगा पीछा भूल जाता है। असुरराज, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी जरूर होती है। ब्रह्मा जी ने तुम्हें अमर रहने का वरदान देकर शिवजी के पुत्र के हाथों तुम्हारी मौत का विधान भी तो किया है, याद है ना? मुनिराज, शिव की पत्नी सती तो दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, अब कैसा शिव का पुत्र और कैसी मेरी मृत्यु। बेचारे भोले बाबा सती के वियोग में किसी पहाड़ की खोह में समाधि लगाए बैठे होंगे। तुम नहीं हंस रहे, हंस रहा है तुम्हारा अहंकार। जो हंसते हैं वो रोते भी हैं। कुछ बसंत की भी खबर है, सती ने जलने से पहले क्या कहा था, जन्म जन्मांतर तक मैं भगवान शंकर को ही पति के रूप में पाऊं। तो असुराज, सती का नया जन्म हो चुका। जन्म हो चुका? कब, कहां? पर्वतेश्वर हिमालय के घर, भगवती उमा के रूप में। अंधक, ये लड़की जीवित न रहने पाए। हर हर महादेव। मन की बतिया, मन
जग क्या जाने, मन ना माने, मन ना माने, मन ना माने। दूर कहाँ दूर, कहाँ नैना लगाए कान मन में, बसाए तेरे सपनों ने आए, बोलो बोलो बोलो। बोलो सखी बोलो बोलो, बोलो सखी बोलो ना, बोलो सखी बोलो बोलो, बोलो सखी बोलो ना, बोलो सखी बोलो। कंगन पहनो पैरों में पायल डालो, हाथों में कंगन पहनो पैरों में पायल डालो, गले में हार करो सिंगार, गले में हार करो सिंगार, फिर आएंगे प्रीतम घर, फिर आएंगे प्रीतम घर। बोलो कैसी कही, हाँ हाँ अच्छी कही। बोलो सखी बोलो बोलो, बोलो सखी बोलो ना, बोलो सखी बोलो। कर में कंगन सोहे ना, माला पे मन मेरा मोहे ना, कर में कंगन सोहे ना, जोगी वर्गी मैं भी जोगिन, जानू मैं तो जानू भभूत लगाने, मन ना माने, मन ना माने, मन ना माने। मन की बतियां मन ही जाने, जग क्या जाने, गहने और कपड़े पहन लो, इस निखरे हुए रूप पर ये चार चांद लगा देंगे। अगर न पहनूं तो भी बड़ी सुंदर दिखोगी, पर सोचो तो सही कि ऐसा मनमोहन रूप क्या तुम्हें जोगन बनने के लिए मिला है? क्या मैं सचमुच ऐसी रूप बनती हूँ? हाँ हाँ, तुम्हारे रूप की छटा देखकर पूनम का चंद्र भी शर्माता है। क्या पूनम का चंद्र कपड़े और गहने भी पहना करता है? नहीं रे, तू समझी नहीं, तू राजकुमारी है ना। ऐसा मनोहर रूप, ऐसा दमदमाता यौवन विधाता ने तुम्हें बैरागन बनने के लिए नहीं दिया राजकुमारी। फिर किस लिए दिया है? अरे इस पर कोई बलिहार जाए, इस पर मर मिटे, इस पर अपना सब कुछ वार दे। अगर भगवान ने मुझे पुरुष बनाया होता तो मैं बस बस रहने दो, मुझे पूजा के लिए देर हो रही है। लेकिन ये तो बताओ कि ये रोज तुम अकेली किसकी पूजा करने जाया करती हो? हाँ हाँ, जरा हम भी तो सुने कि वो कौन भाग्यशाली है। वो है मेरे देव। लेकिन हम माता जी को क्या जवाब देंगी? आज दूर देश के राजकुमार तुम्हें देखने के लिए जो आने वाले हैं। तो आया करें, मुझे उनसे क्या? उनमें से किसी के साथ सगाई होगी ना तुम्हारी? उनसे सगपन का नाता तुम जोड़ लेना। परम प्रतापी प्रजा प्रतिपाल पर्वतेश्वर श्रीमन महाराज हिमालय तथा श्रीमती महारानी मेना आमंत्रित राजकुमारों सहित पधार रहे हैं। अरे मैयर, अब क्या करें? उमा तो गई। गई तो, लेकिन कोई ना कोई उपाय तो करना ही होगा। अरे जाने, उमा के बदले मंगला को सिंगार कराना। चल चल चल।
विजया, उमा कहाँ है? जी अभी अभी आती है, श्रृंगार करने गई। चलो रानी, हमारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। चलिए, देखो विजया, उमा से कहना कि राजकुमारों को अच्छी तरह आदर सत्कार करें। जी आप कोई फिक्र न करें। आइए आइए। बैठिए। तुम्हारी राजकुमारी सुंदर तो है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी जैसी सुंदर है। तब तो ठीक है। जरा इनसे कहो अपना मुखड़ा तो दिखाएं। दे 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 देख लीजिए मुखड़ा। बाप रे, बन गया ये तो। आप मुझे तो इंद्र के अवतार हैं। बिल्कुल वही। सतीमा है, आज मैंने बड़े ध्यान से देखा, आखिर पहचान ही लिया। चल तू भी देख। पर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मुझे तो भगवान शंकर ने सती माता के जल जाने के बाद पैदा किया था ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया, पर मैं जो कहता हूं मेरा विश्वास कर। चल करती थी, ठीक ऐसा ही नियम था उनका। अगले एक बार कह दिया ना तुझसे कि मैंने सती माँ को नहीं देखा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया। ओ प्रभु, भगवान तो न जाने कब तक ये ही समाधि लगाए बैठे रहेंगे। ये बेचारे सांप कब तक भूखे रहेंगे? कल मैं तुम सबके लिए दूध भी लेती आऊंगी। सुना, कल भगवान के भुजंगों को दूध मिलेगा। अरे आहिस्ता बोल, सुनेंगे। अरे वो सुन ले तो कल्याणी हो जाए ना, और मैं भी कुछ मिष्ठान मिल। अरे भोंदू, चला कहाँ तू? इनसे पूछने। क्या? कि ये सतीमा है ना? सतीमा, 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 सतीमा। क्या कहा? कौन हो तुम? मैं भगवान शंकर का गण कुंभोदर। आपने मुझे नहीं पहचाना? भला मैं तुम्हें किस तरह पहचानूं? तब तो सब झूठ। क्या झूठ? अब सतीमा नहीं? नहीं, मैं उमा हूं, पार्वती। उमा, पार्वती? आप रहती कहां है? वो देखो सामने दिख रहा है ना, वही मेरे पिताजी का महल है। तो आप सती मां नहीं? नहीं। सब गुड़ मिट्टी हो गया कुंभ, उल्टे पैर लौट कीजिए। यहां तक आए हो तो भोजन करके ही जाना। भोजन?
विस्कार, लट्टू, पैरे, माल कुए, रबड़ी। नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरा मित्र वीरभद्र भी है ना। तू उसे भी साथ लेते आओ। अच्छा वीरभद्र, अरे वीरभद्र जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ, अरे आओ जल्दी आओ। हरे हरे महादेव। और डालिए। अरे थोड़े से लड्डू और थोड़े से पेड़े लाओ, ये मुझे मना करता है, वरना मुझे कोई हर्ज नहीं। अरे क्या एक एक रखते हो, सब डाल दो, सब डाल दो, अब सिर्फ थोड़े चावल ही लाना। राजकुमारी जी वो भोजन कर चुके। क्यों बेटी, अच्छी तरह आदर सत्कार किया ना उनका। हाँ माता जी, भोजन तो करा दिया है, अब एक कपड़े देने जा रही हूँ। कपड़े? भला राजकुमारों को कपड़ों की क्या कमी है? कपड़ों की जरूरत है माता जी, भोजन के बाद दक्षिणा देनी चाहिए ना। अब जाइए ना राज। माता जी ना जाने दीजिए ना, कपड़ों की जरूरत है, आप नहीं समझती, अब जल्दी जाइए ना। विजया आखिर बात क्या है? सच बात तो यह है माता जी कि वो राजकुमार फिसल पड़े और सारे कपड़े भीग गए, इसलिए कपड़े तो बदलना चाहिए। मैं खुद चल के देखती हूँ। अरे अब क्या होगा? अरे डर, ये लीजिए दक्षिणा और जल्दी जल्दी हवा हो जाइए। अब 8 दिन तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। कोई हर्ज नहीं, 8 दिन के बाद फिर पधारिएगा, अभी तो प्रस्थान कीजिए। आपकी राजकुमारी जी तो पूजा के लिए रोज आती है, आप लोग क्यों नहीं आती? अच्छा अच्छा महाराज, हम भी आएंगी, आप तो जाइए। ये कौन थे? जी राजकुमार। राजकुमार? भला ऐसे होते हैं राजकुमार? सच सच बताओ क्या बात है? जी राजकुमार तो चले गए। चले गए? क्यों, उमा नहीं थी वहां? जी थी तो। जी वो अंदर भी थी और बाहर भी थी। उमा मैं तुझसे पूछती हूँ, कहाँ थी तू? मैं देव की पूजा करने गई थी। जी, ये लोग वहीं से। जी, उमा उन्हें वहीं से लाई थी। याद रख उमा, कान खोल के सुन ले, आज से तूने महल के बाहर कदम रखा तो अच्छा नहीं होगा। जय विजया, आज से इस पर कड़ी नजर रखना, नहीं तो जिम्मेदार तुम होगी। उतावलेपन ने उमा का ब्याह किसी राजकुमार से कर दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। और भगवान शंकर अखंड समाधि लगाए बैठे हैं, आंखें खोलकर उन्होंने कभी उमा देवी को देखा ही नहीं। अंधक हा? कैसी रूपवती मनमोहनी युवती है। रहने भी दीजिए महाराज, खाम खाम भ्रम में पड़े हैं, अपने महल में इससे भी बढ़कर एक से एक भरी पड़ी है। महल में तो क्या, ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में भी ढूंढे नहीं मिलेगा। अंधक,
चलो पृथ्वी की ओर। सुंदरी, तुम बड़ी मनमोहनी हो। सुना नहीं मैं त्रिलोक का स्वामी तारकासुर हूं? होंगे। तुझ पर परम प्रसन्न हुआ हूं। हुए होंगे। त्रिभुवन मोहनी, मैं तेरे चरणों में त्रिलोक की संपत्ति और वैभव निछावर कर दूंगा। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो वो मेरी माताजी के चरणों पर चढ़ा दें। कहाँ है तुम्हारी माताजी? उस महल में। अंधक, ये महल किसका है? पर्वतराज हिमालय का। तो फिर ये लड़की किसकी? उन्हीं की होगी, और किसकी हो सकती है। ठहर लड़की, तेरा नाम? उमा। उमा, क्यों रे अंधक, ये लड़की अभी तक जिंदा है? नहीं। हाँ महाराज, ऐसी अनुपम सुंदरी पर हाथ कैसे उठता महाराज? मुझे जरा दूर की सूझी, मैं अगर इसे मार डालता तो ऐसी त्रिभुवन मोहिनी सुंदरी को आप देख कैसे सकते? शाबाश अंधक, है तो तू बड़ा दूरदर्शी। उमा, तेरे सौंदर्य की दिव्य ज्योति पहाड़ों पर शोभा नहीं देती, इसे राजमहल में जगमगाना चाहिए। जब मेरे प्रभु पहाड़ों पर रहते हैं तो मुझे पहाड़ ही भले लगते हैं। अगर तुमने मेरा कहना न माना तो इस तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दोगे? तो उड़ा दो, मगर याद रखो मेरा कटा हुआ शीश भी मेरे प्रभु के चरणों पर ही चढ़ेगा, तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेगा। महाराज, महाराज, क्रोध में आकर अनर्थ न कीजिए। जल्दी में काम बिगाड़ना बुद्धिमानी नहीं, फिर ऐसा सौंदर्य त्रिभुवन में कहां मिलेगा? सुंदरियों को रिझाने के लिए दुनिया में और भी बहुत से तरीके हैं। अंधक, मुझे इसे पाना है इससे पहले कि ये उस योगी की हो जाए। बताओ कौन से उपाय हैं। हाँ महाराज, मैं समय आने पर सब कुछ बताता जाऊंगा। पहले आप अपना क्रोध शांत कीजिए, गुस्से में आप बड़े विकराल मालूम पड़ते हैं। उमा, उमा, वही वही भैया, अब क्या जवाब देंगी? तू नहीं जाने दिया था उमा को। क्या करती, अगर ना जाने देती तो उमा के प्राण संकट में पड़ जाते। जा जा, अभी बातें ना बना। माता जी आ पहुंची, जा जल्दी लेट से जा। विजया, उमा कहाँ है? जी वो बड़ी गहरी नींद में सो रही है। सो रही है? भला ये कौन सा वक्त है सोने का? है तो नहीं, नहीं, उनके सर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? ना ना माता जी, जगाइए मत, बड़ी सर्दी लग रही है इन्हें। देखो माता जी कैसी कप कप भी छूट रही है। देखो कहीं ज्वर तो नहीं आया? ना ना माता जी, पड़ी रहने दीजिए, चल हट। क्यूरी, ये क्या सॉन्ग रचा रखा है तुम लोगों ने? सच बताओ कहाँ गई उमा? वो तो पूजा करने चली गई। तुम्हें मना किया था ना, फिर तो जाने दिया उसे। हम क्या करती, उमा ने कहा कि अगर एक दिन भी मेरे देव की पूजा खंडित हो जाएगी तो मैं प्राण दे दूंगी। आपकी न्याय कीजिए माता जी, हम क्या करते? हम क्या करते, जाओ देखो किसकी पूजा किया करती है। उमा को साथ लेकर ही आना, खाली लौटी तो पैर तोड़ डालूंगे दोनों के। कैसे सुंदर पुष्प, मेरे देव को ये बहुत प्यारे हैं। देखा महाराज, सुंदरियों को रिझाने का उपाय। वाह वाह अंधक। लीजिए महाराज, अब मैं भौंरा बनकर उसे सताने जाता हूँ। वो सहायता के लिए किसी को जरूर पुकारेगी, उस वक्त आप पहुंचकर बाकी का काम संभाल लीजिएगा। स्त्रियां सहायता करने वाले पर जरूर मोहित होती है। ठीक, परंतु देखना कहीं उसके डंक न मार देना, ये मैं क्षमा नहीं करूंगा। अरे महाराज, नहीं। Thank you.
करता भौरा, तुम कौन संदेशा लाए, गुन 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 गुंजन करता भौरा, तुम कौन संदेशा लाए, प्रेम मंत चुपके से कह दो जो प्रीतम कहलाए, तुम कौन संदेशा लाए। के जीवन बिताऊं, तड़प तड़प के जीवन बिताऊं, रैन दिवस हर ध्यान लगाऊं, अनंग मेरे अंग अंग में छिप छिप के सताए, तुम कौन संदेशा लाए, गुन 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 गुंजन करता भौरा, तुम कौन संदेशा लाए। बिन कोई बैन नहीं है, हार उन्हीं के लिए गुंथने फूलन ढेर बिछाए, तुम कौन संदेशा लाए, गुन 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 गुंजन करता भौरा, तुम कौन संदेशा लाए। मेरा मन डोले डोले ओ मेरा मन डोले डोले, वो क्या बोले रे डोले, मेरा मन डोले रे डोले, वो क्या बोले रे डोले, मैं उनके मन भाई हूँ, मैं उनके मन भाई हूँ, क्या यही गीत तू गाए, तुम कौन संदेशा लाए, गुन 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 गुंजन करता भौरा, तुम कौन संदेशा लाए, तुम कौन संदेशा लाए। राजकुमारी अरे ये तो चली गई। ये क्या महाराज, पर फड़फड़ाते और गुनगुनाते तो मेरे अंजन पंजर ढीले हो गए, पर आप अपनी जगह से तस्मस न हुए। न तुमने उसे डराया और न वो चीखी ही, तो बताओ मैं वहां कैसे पहुंचता। अरे महाराज आप ही ने तो कहा था कि डंक न मारना, फिर मैं क्या करता। सचमुच अंधक, आंखों से रूप सुधा पान करते करते मैं अपनी ही सुधबुध खो बैठा। अब उसे पाना है, सोचता है और कोई उपाय? सोचता है। अरे ये क्या अंधक, यही तो है महाराज, स्त्रियां इसी वेश की पूजा किया करती हैं, अब देखिए अपनी कैसी पूजा होती है। आइए। राजकुमारी राजकुमारी, तुम लोग जाओ, मेरा पीछा न करो, मगर हमें तो माताजी की आज्ञा है, हम तो जरूर देखेंगे कि तुम किसकी पूजा किया करती हो। अरे देख देख, यहाँ एक नहीं दो दो साधु है। तो यही होंगे, चल जरा देखें तो सही कैसे हैं वो। जरूर देखना चाहिए, फिर माता जी को भी दिखाएंगे। चल चल। लगाए हुए हैं, हिलते जुलते भी नहीं, बड़े पहुंचे हुए महात्मा जान पड़ते हैं। जरा देख तो सही। समाधि गहरी नहीं, अभी कच्ची है। चलो पूजा शुरू करें। Stop!
पता था हमारी बड़ी पूजा होगी। तो क्या पूजा नहीं हुई महाराज? जैसे देव वैसी पूजा। अच्छा देख लूंगा। अरे ये तो ढोंगी है। प्रभु एक बार तो आंखें खोलकर दासी पर कृपा दृष्टि कीजिए। आ गई उमा? जी हाँ अभी आती है, बस आ ही नहीं है। देखा है वो किसकी पूजा क्या करती है? जी हाँ देखा है। माता जी एक नहीं वहाँ दो दो साधु है। दो दो साधु? हाँ माता जी, लेकिन दोनों के दोनों ढोंगे निकले। उनकी ऐसी परीक्षा ली कि दोनों ही बहुत बढ़िया। उमा मना करने पर भी आज तू फिर चली गई। उमा महारानी। महाराज ये राजकुमारी है, इसका विवाह हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है। मगर महारानी। अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। प्रतिहारी देखो आज से उमा अपने कमरे में बंद रहेगी, तुम्हें पहरा देना होगा समझी। जाओ भगवान, क्या आज मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी? हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, अगर मैंने मन वचन और कर्म से आपकी सेवा और भक्ति की हो, अगर मैंने आपको अपना इष्ट देव माना हो, अगर मैंने आपको अपना सब कुछ निछावर कर दिया हो, तो मेरी विपत्ति टल जाए, मुझे आपके चरणों तक पहुंचने का मार्ग मिल जाए। कामदेव से कहो भगवान शंकर की समाधि भंग कर दे। कामदेव से? हाँ इसके सिवा और कोई चारा नहीं। एक ओर भगवती उमा की माता की हट, दूसरी ओर दुष्ट तारकासुर और तीसरी ओर भगवान शंकर अखंड समाधि लगाए बैठे हैं। इसीलिए कामदेव से जाकर कहो कि भगवान शंकर की समाधि भंग करके उनके हृदय में भगवती उमा का प्रेम पैदा करे। Thank you.
आज आपने दासी पर कृपा दृष्टि की, अहो भाग्य मेरे। देवी सती, वर्षों के वियोग के बाद आज तुम मिली। नाथ, मैं उमा हूं। ये कैसा भ्रम, मेरे हृदय में ये रूप का मोह किसने उत्पन्न किया? मैंने प्रभु। कामदेव, तुम्हारा ये साहस? क्या किया जाए, अभी तक तो भगवान शंकर भगवती उमा के सामने थे, अब वो भी अंतर्ध्यान हो गए। तुम लोग चले थे अपना कल्याण करने, क्यों कैसी मुंह की खाई? अरे महाराज, आप जैसे पराक्रमी और भाग्यशाली के सामने इनकी दान गलती, कामदेव को भेजा था, डूबतों ने तिनके का सहारा लिया था। क्यों रे, तुम लोगों को हमने अपनी माता के कहने से शर्म में पड़े रहने दिया तो तुम हमारी ही मौत का सामान इकट्ठा करने लगे? महाराज, शंकर जी तो अलोप हो गए और बिचारी उमा वहीं मरी सी पड़ी है। अंधक, ऐसी त्रिभुवन मोहिनी सुंदरी को इस तरह पहाड़ों पर पड़े रहने देना उचित नहीं। जाओ पर्वतराज हिमालय से हमारे लिए उमा का हाथ मांगो। महाराज आप निश्चिंत रहिए, ये काम सेवक पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए, कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए, शिखर शिखर से पूछ रही हूँ शंकर मेरा कहाँ है, गौरी वर गंगा धर हर हर शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए। कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए। वो नील गगन की चंद्रकला, वो नील गगन की चंद्रकला, तू रहती उनके पास भला मेरा कहाँ गया
प्रीतम बतला मेरी बिगड़ी कौन बनाए कोई बताए। कंकर कंकर से मैं पूछूं शंकर मेरा कहाँ है कोई बताए। चल पनी धर हौले हौले चल मैं भी तेरे संग चलूं तू हौले हौले चल। तू लिपटेगा गले स्वामी के मैं चरणों में रह लूं मेरा धन्य जीवन हो जाए कोई बताए कोई बताए। हर 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 महादेव। मुनिराज मेरे इष्ट देव मुझसे क्यों रूठ गए? भगवान शंकर वैभव रूप और यौवन पर नहीं रिश्ते। फिर मैं उन्हें कैसे रिझाऊं? तप करके। मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी मुनिराज। तप करना आसान नहीं राजकुमारी, और वो भी तुम्हारी इस कोमल काया से। गर्मियों में चलचलाती हुई धूप, वर्षा में ओलों और पानी की बौछार, सर्दियों में गला देने वाली बर्फ, ये सब तुम कैसे सहन कर सकोगी? जंगली सिंहों भेड़ियों और रीछों के भयंकर नाद सुनकर जब बड़े बड़े वीरों के छक्के छूट जाते हैं तब तुम्हारी क्या दशा होगी? फूल को पाना हो तो कांटों से डरना क्या, मणि को पाना हो तो सांपों से डरना कैसा? जब मुझे भगवान को पाना है तो इन दुखों की कोई परवाह नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरु शंभु न तो रहूं कुमारी। कल्याण राज तो सगाई पक्की कर आए? बिल्कुल पक्की, आपकी भी और अपनी भी। पर्वतराज ने विवाह का मुहूर्त कब का निकाला? और तो सब ठीक है महाराज, किंतु कन्या ही घर में नहीं है। कहाँ गई वो? तप कर दे। तप करने की क्या आवश्यकता जब हम स्वयं उमा के चरणों पर झुकने को तैयार हैं? किंतु आपके लिए नहीं, भगवान के लिए। कौन भगवान? शंकर भगवान। शंकर भगवान? अंधक, उमा तप न करने पाए। अगर तप करके उसने भगवान शंकर को पा लिया तो मेरी मृत्यु का पूरा सामान हो जाएगा। जाओ उसे उठा लाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं इसका तप भंग करके ही छोड़ूंगा। क्या मैं इतना डरपोक हूं? क्या हुआ अंधक?
तुम अकेले क्यों आए? उमा कहाँ है? क्या कहूं महाराज, उसे उठा लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, किंतु किसको उठा लाने की बात कर रहे हो अंधक? कुछ नहीं माता जी, वो तुम, मैं यूं ही जरा तालम टोल करने की कोशिश ना करो, मुझे सब कुछ मालूम है। देखो बेटा तारक, ऐसे खुशामतियों की चाटुकारी से तुम विधाता के वरदान से प्राप्त हुई शक्ति का दुरुपयोग कर बैठोगे। इतना याद रखना कि किसी की बहू बेटी को उठा लाने का ख्याल भी तुमने किया तो तुम्हारा कल्याण न होगा। नहीं नहीं माता जी, आप विश्वास रखिए, आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी आज्ञा के बिना आपका पुत्र कुछ नहीं करेगा। चिरंजीव रहो बेटा, त्रिलोक में तुम्हारा राज अमर रहे। देखा महाराज, मैंने ठीक ही किया। मुझे तो विश्वास ही था कि उमा को उठा लाना माता जी कभी पसंद नहीं करेंगी। हाँ वो तो इसे नापसंद ही करेंगी, मगर मुझे तो मेरी मौत दिखाई दे रही है। आप निश्चिंत रहिए, उमा अगर धूप से बची तो बर्फ में जरूर गल जाएगी। इतनी घोर तपस्या करने के बाद वो जिंदा रह ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है, तो बस फिर आप चैन की बंसी बजाइए। आओ सजनवा चुपके चुपके, आओ सजनवा चुपके चुपके, अंगड़ाई चुप अनोखी प्यार अनोखा तेरा मेरा साथ अनोखा, आओ सजनवा चुपके चुपके, आओ सजनवा चुपके चुपके। रिम झिम रिम झिम में हा बर से, गाय पपी हा जिया रा तर से, गाय पपी हा जिया रा तर से, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम। रूप अनोखी प्यार अनोखा तेरा मेरा साथ अनोखा, आओ सजनवा चुपके चुपके, आओ सजनवा चुपके चुपके। शीतल सर साथी याद पिया की आग लगाती, चली हवा शीतल सर साथी याद पिया की आग लगाती, दर्स बिना नैना अकुलाए, दर्स बिना नैना अकुलाए, कौन प्रीत के गीत सुनाए, कौन प्रीत के गीत सुनाए। अनोखी प्यार अनोखा तेरा मेरा साथ अनोखा, आओ सजनवा चुपके चुपके, आओ सजनवा चुपके चुपके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शैल कुमारी, तुम जैसी रूपवती कन्या को किस बात की कमी है जो ऐसा तप कर रही हो?
पति की प्राप्ति के लिए। तुम आप इतनी सुंदर हो कि तुम्हें पाने के लिए पति को तप करना चाहिए। फिर वो कौन ऐसा निष्ठुर है जो तुमसे इतना कठोर तप करा रहा। जिनके नेत्र की ज्वाला से काम भस्म हो गया उन्हीं के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। मगर उन भोलेनाथ की कृपा दृष्टि मुझे भागन पर अभी तक नहीं पड़ी। अरे हाँ, वो भूतनाथ उसे तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसके सिवा तुम जैसी कोमलांगी से इतनी घोर तपस्या कौन कराएगा। अरे पगली, तू उसके लिए अपनी फूल समान कोमल और चंद्रमा समान शीतल काया को क्यों गलाए डाल रही। अगर मैं इसे भी कठोर तप करके सूख सूख के दूज के चंद्रमा की कोर जैसी बन जाऊं और भगवान शंकर मुझे अपनी जटाओं में स्थान दे दे तो इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझूंगी। अरे मूर्ख छोकरी, कुछ सोच तो सही। जब तेरा कोमल हाथ शंकर के विकराल हाथ से मिलेगा और उसके शरीर के सांप फुंकार मारेंगे तो तू कितना घबराएगी। वो ठहरा शमशान भटकने वाला, उसके साथ चलने में तेरे कोमल पांव छिल जाएंगे। और जब वो हाथी का चमड़ा पहनकर तुझे अपने बुढ़े बैल पर सवार कराएगा तो लोग कैसे खिल्ली उड़ाएंगे, तुझे कितनी लज्जा आएगी। कभी इसका विचार किया है तूने? अरे मैं तो तेरी भलाई चाहता हूं। अगर तुझे देवगण से ही विवाह करना है तो देवलोक बहुत से हैं। ये देख ब्रह्मा, ये विष्णु, ये इंद्र, इनमें से जो तुझे पसंद है वो ला दू। मगर उस भूतनाथ का ख्याल छोड़ दे। कहां चली शैलजा? जिस स्थान पे मेरे भगवान की निंदा होती हो वो स्थान अब मेरे तप करने की योग नहीं रहा। उमा, मेरे प्रभु, मेरे नाथ। देवी, तुम्हारे तप पर गुण ने मुझे रिझा लिया, अब मैं तुम्हारा हो गया। जाओ अपने पिता से स्वयंवर रचाने के लिए कह दो, मैं उसमें आऊंगा। आप आएंगे प्रभु? हाँ जरूर आऊंगा, मगर मुझे पहचान लेना देवी। पहचान लूंगी। सचमुच ऐसा आनंद विलास और उत्सव आह इंद्रपद को ही शोभा दे सकता। क्यों नहीं मुनिराज, क्या आनंद और उत्सव मनाना देवता ही जानते हैं। हाँ भाई ठीक है, मनाते जाओ, मना कौन करता। देवगण ने रंगरलियां मनाई तो उसका फल भुगत रहे हैं, समय आने पर तुम भी भुगतोगे। तो क्या मेरी दशा उन धूर्त देवताओं की जैसी होगी? हरगिज नहीं महाराज, उनसे भी बुरी। चुप मूर्ख। मुनिराज, आप घूमते फिरते हिमालय पर्वत तो अवश्य गए होंगे और उमा तो शायद अब तक मर भी गई होगी। मुनिराज आखिर बताएं भी तो क्या, उमा की तो हड्डी और पसली भी गल गई होगी। हड्डी और पसली भी गल गई हो? पर मैं तो उमा के स्वयंवर का न्योता देने देवताओं के पास जा रहा हूँ। स्वयंवर उमा का? हाँ, पर्वतराज ने स्वयंवर रचाया उन नंगे सर भिखारियों को निमंत्रण और मुकुटधारी त्रिलोकीनाथ तारकासुर को निमंत्रण नहीं हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंधक महाराज,
हम स्वयंवर में अवश्य जाएंगे। अवश्य जाएंगे। हमारे सब सेनापतियों को आज्ञा दो कि हिमालय के महल में शिव और उसके गण कोई भी न घुसने पाए। हम देख लेंगे कि उमा हमारे गले में वरमाला कैसे नहीं डालती। आपके मुंह पर हंसी? क्या प्रभाव और आतंक है तारकासुर का? ये गर्व, ये अकड़ और ये अहंकार। वाह मुनिराज, अभी तक भगवान शंकर का कोई पता नहीं। नमः शिवाय, जपो नमः शिवाय। भगवान तुम नहीं आए? कैसा आप शुक्र, मेरे पायल की कील निकल गई। हर हर शंभु बम भोलेनाथ। तारकासुर संभालो अपनी तलवार, अभी इसकी गर्दन भुट्टे की तरह उड़ा दूंगा। अरे बाप रे, अपनी तलवार तो देख लीजिए पहले। ये त्रिलोकीनाथ तारकासुर का अपमान है। और महाराज अपना मुकुट तो देखिए, ये सब इंद्रजाल है। मैं इस बटक को अपनी भुजाओं में जकड़कर मचल डालूंगा। असुराज फैलाओ बुझाएं, जोर आजमाओ। महाराज ऐसे मौके पर तो 9-2-11 हो जाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर बालक को जन्म होने से पहले ही अमूमा को क्यों न उठा लाए? परंतु माताजी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देंगे अंधक। ये आप क्या कह रहे हैं, हम माताजी के कानों तक ये बात जाने ही क्यों देंगे? ठीक है चलो। सारक, भगवती उमा को उठा लाने के बदले तुम भगवान शंकर की शरण जाओ, वही परमेश्वर है, उन्हें
तुम्हें बचाना है तो बचाएंगे और मारना है तो मारेंगे। परंतु माँ, उमा के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु जो होगी। लेकिन बेटा, पर नारी को माता समान समझना चाहिए। पर स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाला कोई भी जीवित न रहा। माँ, मेरी भलाई इसी में है कि उमा को हर लाऊं। अपनी भलाई के लिए सब कुछ करना उचित है माँ। माँ की आज्ञा के विरुद्ध जो कुछ भी करना हो करो, लेकिन याद रहे, कोई भी माता पन्नारी पर कुदृष्टि रखने वाले पुत्र की कल्याण कामना कभी नहीं कर सकती। महाराज, आप बैठ क्यों गए? माँ की आज्ञा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं पड़ती अंधक। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो हम उमा को उठा लाए और अपनी पटरानी बनाए। आज्ञा है शंभु निशुंभ, जाओ। अब मैं सुख की नींद सो सकूंगा। और कैसे शांति है। किसी भी स्त्री को अपने स्वामी की छत्र छाया में इससे अधिक और क्या चाहिए। तुम्हें तो संतोष हो गया देवी, पर मेरा जी इस चार दीवारी के बंधन से घबराता है। तो फिर स्मशान में ही धुनी रमा कर पड़े रहना था ना। घर गृहस्थी के जंजाल में पड़े ही क्यों? गंठ बंधन के बाद बंधनों से घबराना कैसा। अगर तुम्हें यहां अच्छा लगता हो तो मैं मना थोड़े करता हूं, पर मुझे तो कहीं एकांत में ही समाधि लगानी पड़ेगी। नीचे पहाड़, ऊपर नीला आकाश, किसी कलकल करती बहती हुई नदी के किनारे शीतल मन पवन के झोंके आते हो। बस बस, जाइए ना, वही लगाइए अपनी समाधि। तुम भी तो साथ चलोगी ना देवी? जी नहीं, मेरा जो बस चलेगा तो मैं उल्टे आप ही को यहां तक खींच लाऊंगी। जरा देखते जाइए। ये बात योगीराज, अभी तो आपने उमा के प्रेम और भक्ति को ही देखा है, उसके मोहबाणों की शक्ति को नहीं देखा। अब देखिए, आप चलकर मेरे पास आते हैं या मैं। हमारी रानी जी रुम झुम रुम झुम रुम झुम चली जाऊं मैं सपन का छोड़वाऊं जी आंख खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी रुम झुम। तुम्हारे महादेव जी गंगा पार्वती भिलनी को क्या करिए जी भिलनी को क्या करिए जी पार्वती को पियर भेज दूं गंगा लाए पानी जी रुम झुम रुम झुम रुम झुम चली जाऊं मैं सपन का छोड़वाऊं जी आंख खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी रुम झुम। नहीं महादेव जी मैं न बनूंगी रानी तुम्हारी रानी तुम्हारी रानी जी गले तुम्हारे सांप जहर ले देख मुझे डर लागे जी झुम झुम
झुमरुम झुम चली जाऊं मैं सपून का छोड़वाऊं जी। आंख खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी। झुम झुम कहो तो भभुत बिछोड़ू चंदन लेप लगाऊं जी। झुम झुम रुम झुम रुम झुम चली जाऊं मैं सपून का छोड़वाऊं जी। आंख खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी। झुम झुम जब स्वामी जी। रुम झुम रुम झुम रुम झुम चली जाऊं मैं सपून का छोड़वाऊं जी। आंख खोल के शिव जी बोले बनो हमारी रानी जी। रुम झुम रुम झुम रुम झुम रुम झुम बचाओ 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 भगवान सदाशिव हमें बचाओ। देवी सिंब निसिंब के अत्याचारों से हमें बचाइए। ठहरिए मैं अभी भगवान को ढूंढ लाती हूं। भगवान सदाशिव भगवान शंभु कहाँ हैं आप? देवी यूं पागलों की तरह अपने अर्धांग को पुकारती हुई क्यों भटक रही हो? बड़ा धर्म संकट आ पड़ा है मुनिराज। शुंभ और निशुंभ ऋषियों के खून के प्यासे हो रहे हैं और भगवान भोलानाथ न जाने कहां समाधि लगाए बैठे हैं। ओ, तो इसमें इतनी चिंता करने की कौन सी बात है जगदम्बे? आप भी तो विश्वनाथ की अर्धांगिनी हैं और फिर महाराज हिमालय की पुत्री को शस्त्र अस्त्र विद्या थोड़ी ही सिखानी पड़ेगी। आप ही जाकर उन पापियों का संहार कर डालिए। मैं क्या मैं सचमुच ऐसा कर सकूंगी? निस्संदेह आप इसी वक्त रवाना हो जाइए माता और जाकर बेचारे ऋषियों का उद्धार कीजिए। नारद जी ये क्या कर रहे हैं? चलिए मैं स्वयं उन राक्षसों का संहार करूंगी। माता जी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं कुंभ, प्रभु कहीं समाधि लगाए बैठे हैं, तुम उन्हें खोजकर उनकी सेवा में रहना। अगर सूरज डूबने तक मैं न लौटूं तो वीरभद्र को साथ लेकर मेरी खोज में निकलना। मुनिराज सच सच बताइए आप हमारे पक्ष में हैं या असुरों के? आपके मन में ऐसी शंका क्यों उठी वरुण देव? आप तो जानते ही हैं मुनिराज कि शुंभ निशुंभ का इरादा भगवती उमा को हर ले जाने का। हाँ लेकिन देखना यह है कि इसमें अशुभ किसका होता है। जिस तरह आपके अपने स्वर्ग को असुरों से मुक्त करना है उसी तरह पृथ्वी को भी राक्षसों के अत्याचार से मुक्त तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मुझे जगदम्बा को भेजना पड़ा। शिव शंभु शिव शंभु।
खून की एक एक बूंद से राक्षस पैदा होगी। हट छोड़कर शम महाराज के शरण में आ और उनकी पटलानी बनकर मौज उड़ा। हे धरती माता, ये राक्षस आगे बनने न पाए। मेरे काली का स्वरूप से इसके रक्त की बूंदे चूसे बिना ही राक्षस नहीं मरेगा। तभी जिस तरह मारा गया कि लहू की एक बूंद भी जमीन पर न गिरी। फिर अब क्या किया जाए? केवल एक ही उपाय है, उसे मायावन में फंसा कर ठिकाने लगा दे। देखो भैया, वो खड़ी है, उसे मायावन में खींच लेना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम आदरी होकर उन ऋषियों की तरह चिस्त चिल्लाते आगे आगे चलो, ये तुरंत तुम्हारे पीछे आएगी, मैं भी साथ रहता हूँ। भाग निकलने की तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है सुंदरी। हमने तुम्हें अपनी पटरानी बनाने का पक्का इरादा कर लिया है और तुम्हें भी सोच विचार करके फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त देंगे। पर तुम मेरे सामने आओ तो मैं समझ सकूं ना कि कैसे वीरों के साथ मुझे लोहा लेना है। बात मंजूर हो तो अभी सामने आए, वरना यही सड़ सड़ कर बेमौत मरोगी। भैया वीर बदले, मुझे तो ये स्थान बड़ा सुहावना मालूम होता है, भला यहाँ डरने जैसी क्या बात है? कहता था कि अंदर जाके बाहर कोई आ ही नहीं सकता, हम अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। देखो क्या करूं। तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारी पटरानी बन जाओ। अगर कहना ना माना तो याद रखो, एक भी ऋषि जिंदा रहा बचेगा और तुम्हारे पास आने वाले उन दोनों ढोंगियों का भी यही हाल होगा। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला।
वाला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, हो भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, हो भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोक जगाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, हो भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, हो भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। इन राक्षसों की मृत्यु तुम्हारे ही हाथों है, इसीलिए तो तुमसे लड़ झगड़ कर मुझे समाधि में लीन होना पड़ा था। इतने महान और समर देवताओं के होते हुए भी एक अबला के हाथों उनकी मौत। हाँ देवी, सत्ता के मद में चूर होकर इन नराधमों ने नारी शक्ति के प्रभाव को तुच्छ गिना था, इसलिए इनकी मृत्यु का विधान एक अबला के हाथों हुआ। और इसीलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज को इकट्ठा करके शिव शक्ति के रूप में तुम्हारा निर्माण हुआ। परंतु इन दुष्टों ने माया फैलाकर मेरे सामने न आने का प्रपंच रचाया है प्रभु। लो ये निवारण अस्त्र, इसका प्रयोग करो, राक्षसी माया का पर्दा हट जाएगा। धन्य हो प्रभु। मुनिराज, हमारे महाराज बड़ी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। ठीक, गधा, उल्लू और मूर्ख नर
दिन रात सुख की नींद सोते रहते। भला हमारे महाराज क्यों ना सोए? जो कांटा खटक रहा था वो निकल गया। उमा या तो सिंह निशिंभ की रानी बन गई होगी या खत्म हो गई होगी। खत्म? कुछ बसंत की भी खबर है, उमा नहीं तुम्हारे शुंभ निशुंभ खत्म हो गए। क्या कहा, शुंभ निशुंभ खत्म हो गए? हाँ, तुम यहाँ सुख की नींद सो रहे हो और वहां तुम्हारी मौत जन्म ले रही। मैं आपका मतलब नहीं समझा मुनिराज। मतलब ये कि भगवान शंकर के घर पुत्र का जन्म हो चुका है, सब लोग उत्सव मना रहे हैं, चलो चल के देख लो। चलिए मुनिराज। मां और बेटा दोनों को कुचल डालूंगा।
देखता हूँ कहाँ जाते हैं बचके। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज। पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले तुम्हारे शुंभ निशुंभ का नाश हो गया, ये देखकर तो कुछ समझो। नहीं माँ, आपकी आज्ञा मानकर मैं रुक गया था। शुंभ निशुंभ की जगह उमा को उठाने यदि मैं स्वयं जाता तो तेरा भी नाश हो गया होता। माता जी बिल्कुल ठीक कहती है। चुप रहे मूर्ख। नहीं माँ, अब तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। उमा और उसके पुत्र का अवश्य नाश करूंगा। माँ की इच्छा के विरुद्ध? हाँ। देखो, तुम तूफान और आंधी की तरह भगोला बनकर कुमार को हवा में उड़ा ले जाओ और खूब ऊंचे आकाश से पटक कर खत्म कर दो। मंत्री मैं, तुमने उस बालक को खत्म कर दिया ना? हाँ महाराज, इसमें पूछने की क्या बात है। ये काम तो आपने महामंत्री को सौंपा था, अब चैन की निद्रा आप सो जाइए। मगर मुझे विश्वास नहीं। यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं मेरे साथ चलकर देख लीजिए महाराज। हाँ ये ठीक, अपनी आंखों से देख लूं तभी संतोष होगा। पधारिए महाराज। प्रभु, कहीं से भी ढूंढ लाइए मेरे बच्चे को, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। शांत रहो देवी, धीरज से काम लो। एक साधारण स्त्री की तरह विलाप करना तुम्हें शोभा नहीं देता। सारे संसार को तुम अपनी ही संतान समझो। भिक्षा देही। साधु बाबा, मेरा एक लौता बच्चा आंधी में उड़कर खो गया है, आशीर्वाद दीजिए कि मिल जाए। हमारा आशीर्वाद है मैया कि तुम्हारा पुत्र तुमको अवश्य मिलेगा। आपका आशीर्वाद सत्य हो महापुरुष। तथा ये क्या किया महाराज, ये कैसा आशीर्वाद दे डाला? साधु वेश में आशीर्वाद देना ही पड़ता है, और फिर मेरे जैसे ढोंगी साधु का आशीर्वाद कहीं फल सकता है? आशीर्वाद पाने वाला अगर उसे पूर्ण श्रद्धा से ग्रहण करे तो वो अवश्य फलता है महाराज। महामंत्री, इसी समय तीनों लोक में गुप्तचरों को भेजकर उस बालक की उम्र के तमाम बालकों को पकड़ लाने की आज्ञा दो। आज्ञा महाराज। बहुत ठीक है, भविष्य चेता सदा सुखी। किंतु महाराज, उमा को आपने मैया कहा है ये न भूलिएगा। ये तो मैंने उसे छलने के लिए कहा था। रखेंगे कार्तिके। हाँ, कृतिकाओ का पुत्र कार्तिके। संभालो अपने कुमार को, संभालो, असुर कोने कोने से नन्हे नन्हे बच्चों को छीन कर ले जा रहे हैं। हे तारा गण, असुरों को रोको। ¶¶
tim 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 tare tim 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 tare mori gori ke o mori gori ke naino mein aake samao re o gagan ke tare mori saajan ke naino mein aake samao re o gagan ke tare mori gori ke naino mein aake samao re o gagan ke tare tim 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 tare tim 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 tare haare 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 naare 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 saajan more naino mein tare chukhenge saase chukhenge tim 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 tare o gagan ke tare payal ban jao re payal ban jao re payal ban jao tum tumak tum tum tumak tum tum tumak tum 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 चेरी पायल झनकारे गुरी मोरी ना चेरी पायल झनकारे ओ गगन के तारे टिम 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 तारे टिम 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 तारे साजन मोरा नाचे और नाचे सजनिया साजन मोरा नाचे और नाचे सजनिया खिल मिल के तारों की नाचे नगरिया खिल मिल के तारों की नाचे नगरिया जागे भाग हमारे टिम 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 तारे टिम 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 तारे टिम 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 तारे ललाट के मध्य में बाई आंख नाक की नोक दाई आंख हर हर महादेव जान पड़ता है कोई उत्सव मनाया जा रहा हाँ मुनिराज आज हमारे महाराज कुमार के मृत्यु की सातवीं जयंती मना रहे हैं अब हमारे महाराज की मृत्यु का कांटा बिल्कुल दूर हो गया अच्छा तो ये बात है तो तुम्हें इस बात का पूरा पूरा विश्वास हो गया क्यों नहीं मुनिराज कुमार के बाद अब हमारे महाराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता कहते तो ठीक हो
परंतु छोड़िए ना ये अरंतु परंतु की बातें मुनिराज, साफ साफ कहिए ना कि उस धुनी रमाने वाले की ओर से अब आपकी भी श्रद्धा जाती रही। भगवान सदाशिव तो सर्वशक्तिमान है। देख ली उसकी शक्ति, पुत्र से हाथ धोया और पत्नी पुत्र शोक में अब तक मर रही। मुनिराज अगर मैं चाहूं तो सर्वशक्तिमान की वही दशा हो जो इंद्राज देवताओं की हुई है। कैसे गर्व की बातें कर रहा है बेटा, पुत्र वियोग में मरती हुई माता के दुख में तो इतना खुश है, बड़े अधर्म की बात है। माँ जिसके हाथों तुम्हारे पुत्र की मृत्यु होने वाली थी उसके मरने से तुम्हें खुशी नहीं होती? खुशी तो मुझे उस दिन होगी जिस दिन तुम भगवान शंकर के चरणों में शीश झुकाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता माँ। आज से त्रिभुवन में तुम्हारे भगवान की पूजा बंद, यज्ञ बंद। लोग पूजा करेंगे तो मेरी, यज्ञ के भाग्य का अधिकारी मैं हूंगा, मैं ही आज से परमेश्वर हूँ। लेकिन मेरे परमेश्वर तो भगवान शंकर ही रहेंगे। उसे परमेश्वर मानने वाले को प्राण दंड दिया जाएगा। तू जैसे नालायक को परमेश्वर मानने से पहले मैं मौत को ही पसंद करूंगी। निकल यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी मेरे सामने आई। धर्म और ईश्वर को न मानने वाले बेटे का मुंह मैं खुद नहीं देखना चाहती। शिव 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 शिव, जय भोलेनाथ, हर हर शंभो। इंद्रराज भगवान शंकर के पास जाइए, उनसे उनके पुत्र को मांग लीजिए, असुरों के विनाश का नगारा बज रहा है। कौन जाता है, खड़े रहो। अरे भाई ये तो मैं हूँ, एक निर्दोष ऋषि। ओम निराज। प्रणाम। कल्याण हो, कहो यहाँ क्या कर रहे हो? पहरा दे रहा हूँ, वो सदाशिव का कुमार है ना, उसी के लिए महाराज ने सारी सेना को पहरा देने का हुक्म दिया है। एक बालक का इतना डर? हाँ मुनिराज, कहीं उस बालक का पता मुझे चले तो मेरे भाग्य चमक उठे, पहरेदार से सीधा सेनापति बन जाओ। तो ये बात है। हाँ मुनिराज, अगर आपको मालूम हो तो। हाँ, 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 मालूम है, परंतु तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। आप जो कहे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सुनो, तुम्हें बकरा बनना होगा। बकरा? अगर आप कहे तो मैं गधा भी बन जाऊं। हाँ, गधा बनने की जरूरत नहीं है। आओ, आओ। हाँ, अब मौका है, चल बन जा बकरा, बन जा। चल चल भाग भाग। मेरे यज्ञ का बकरा भागा जा रहा है, कोई पकड़ो नहीं तो मेरा यज्ञ खंडित हो जाएगा। माता जी मैं जाऊँ, रामन देव का बकरा पकड़ जाओ। हाँ हाँ बेटा जाओ, यही तो तुम्हारा धर्म है। मेरा बकरा। ठहरो कुमार, ठहरो। घबरा ये नहीं ब्राह्मण देवता, मैं अभी इसे पकड़े लाता हूँ। हाँ हाँ, कोई आवश्यकता नहीं, तुम जल्दी बांध छोड़ो जल्दी। अरे ये तो कोई राक्षस है। बेटा तुमने इतने बड़े राक्षस को मारा? हाँ माँ। माँ बिल्कुल ऐसा ही मेरा भी कुमार था। आज 7 वर्ष हुए, उसका मुंह भी। आज इसे देख रही हो, ये वही मुंह है जगत जननी। क्या कहते हो मुनिराज, ये मेरा कुमार है? बेटा इतने दिन तक तू कहाँ था? कृतिकाओं के आश्रम में इसका पालन हो रहा था, वहां से लाने के लिए मुझे इस राक्षस का बलिदान देना पड़ा, नहीं तो ममता और मोह से भरे हुए 6-6 माताओं के हृदय सागर से कुमार का लाना संभव न था। मेरा लाडला। असुरों के अत्याचार की हद हो गई, दुष्ट तारकासुर देवताओं के यज्ञ भाग को भी सीधे अग्नि से निकाल कर खत्म करने लगा और अपने आप को त्रिलोकेश्वर कहलवाता फिरता। देखिए प्रभु, ये अपना खोया हुआ कुमार उत्तम समय पर आया है। प्रभु कुमार को हम लोगों का सेनापति बनने की आज्ञा दीजिए। क्या कहा, कुमार देवों का सेनापति? हाँ जगन माता, त्रिलोक का उद्धार करने के लिए
हम लोग आपके कुमार को मांगने आए हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आज 7 वर्ष के बाद मिला हुआ अपना पुत्र मैं आप लोगों को नहीं दे सकते। भगवंत, इन देवों को चले जाने की आज्ञा दीजिए। ये उचित नहीं देवी। जगत जननी अनुपूर्णा के द्वार से कोई अतिथि निराश नहीं जाता। परंतु इन सब समर देवताओं के रहते मेरा ये नन्ना दूध मुआ बच्चा किस लिए? पापियों के विनाश के लिए स्वजन का बलिदान देना ही पड़ता है देवी। कुमार कार्तिकेय की जय। और उन्हें शर्म भी ना आई। और अपने साथ एक 7 वर्ष का बालक सेनापति बनाकर लाए हैं। बालक 7 वर्ष का? डर गए महाराज? अरे ये तो आपको डराने के लिए कोई भाड़े का टिट्टू पकड़ के ले आए होंगे। ठीक, अंधक तुम जाओ और उस बालक को जीवित उठाकर ले आओ। अभी जाता हूं महाराज और चुटकी बजाते ही उस बालक को पकड़कर आपके सामने उपस्थित करता हूं। बालक 7 वर्ष का? शास्त्रास्त्र से लड़ना ठीक नहीं। अगर सच्चा वीर है तो तलवार और गला लेकर के सामने आ जा, फिर मालूम पड़ेगा कि किससे मुकाबला पड़ा है। अच्छी बात। ये तलवार। ये गदा, ये गदा। अरे बाबा मेरी ही गदा, मेरा ही बुरकस। अरे रोको भैया, रोको इसे, रोको रोको। हे भगवान शंकर, हे भोलानाथ, हर हर महादेव। शंकर बोले भाले, बोले भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। शिव शंकर बोले भाले, बोले भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। तुमने ये संसार बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ये संसार बनाया।
सभी तुम्हारी माया छाया, सरकों की माला वाले कैलाश पर्वत वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले भोले, भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। नगर नगर घर घर में तुम जल खल में, तुम अंबर में, तुम हो नगर नगर घर घर में, तुम हो लहर लहर कर कर में, कहां नहीं तुम हो जग भर में। डमरू के बजाने वाले, दुष्टों के मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले भोले, भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। घर का प्यारा, हर 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 महादेव सनारा, नर नारी घर घर का प्यारा। दीप तुम्हारा, तेल तुम्हारा, दुनिया का सब खेल तुम्हारा। ये खेल खिलाने वाले, त्रिभुवन को नचाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले भोले, भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले भोले, भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम। अंधक, जय भोलेनाथ। शिव शंभू, हर हर महादेव। क्यों रे, लाया उस बालक को? महाराज, जिसे हम पापड़ समझे थे वो तो लोहे का चना निकला। मेरी मानिए तो उसकी शरम ने जाकर क्षमा मांग ली थी। अवश्य वो भगवान शंकर का पुत्र है। उसको तो मार डाला था। हर 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 महादेव। असुराज, मारने वाले के दो हाथ हैं तो बचाने वाले के हजार हाथ हैं। कुमार नहीं, विवर दानो मारा गया। कुमार तो 7 वर्ष तक कृतिकाओं के आश्रम में सुख से पलता रहा। समझ में नहीं आता मुनिराज, ये बालक बचा कैसे? आपके आशीर्वाद से। आप ही ने तो देवी माँ को बालक के बच जाने का आशीर्वाद दिया था। चुप मोड़। अब हम स्वयं जाकर उस बालक को मच्छर की तरह मसले डालते हैं। हर हर महादेव। शिव शंभो, जय भोलेनाथ। विश्वनाथ, मेरा पुत्र भान भूला है, लेकिन आप भोलानाथ हैं। हम दोनों के कारण निर्दोष सैनिकों का खून क्यों बहे? चल मल युद्ध करके निपटारा कर ले, जिसकी मौत होगी वो मरेगा। बहुत ठीक, क्या क्या की सुराज? आजा मेरे सामने, जो तुझ में दमखम हो।
तू भी इससे हट जा। सेनापति से लड़ना ही मुझे शोभा देता है। कपटी कायर कहीं का, एक बच्चे से शस्त्र विद्या में पार न पा सका, इस प्रकार नीचता पर उतारू हो गया। पर मेरे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। सावधान वीरभद्र, विधाता का लेख कभी मिथ्या नहीं होता। इसकी मृत्यु कुमार के हाथों लिखी है। जाओ कुमार। आजा। लड़ने दो, बड़े से बड़े हाथी को नन्ही सी चींटी मार डालती। आज्ञा महाराज। महामंत्री, मुझे आज ही इसी समय उमा का सर चाहिए। जगदम्बा उमा देवी का शीर्ष? हाँ, उस बालक की मां का सर। इसके बिना उसे हराया नहीं जा सकता। उसकी मां का कटा हुआ सर दिखाकर उसके हृदय पर अपनी धाक जमाना है। यही है एकमात्र उपाय मेरे बचाव का। महाराज, जगदम्बा तो अमर है। ये मैं जानता हूं, इसीलिए तो उसका बनावटी सर मांगता हूं। महाराज, यह भी तो घोर पाप है। महामंत्री, मैं तुमसे नीत का पाठ नहीं पढ़ना चाहता। आज्ञा का पालन करो, नहीं तो सिर धड़ से अलग कर दूंगा। कर दीजिए महाराज। महामंत्री, तुम एक सच्चे स्वामी भक्त हो। आज तुम्हारे स्वामी का जीवन संकटों से घिरा हुआ है, क्या उसकी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं? हाँ महाराज, ये मेरा कर्तव्य धर्म है महाराज। धन्य हो महामंत्री। अब शीघ्र ही आज्ञा का पालन करो। परंतु एक विनती है महाराज, जगदम्बा के सामने मेरा जादू नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हिम्मत करो, इसके बिना छुटकारा ही नहीं है। ये क्या तारक, एक तरफ अपने आप को सर्वशक्तिमान कहलवाते हो और दूसरी तरफ एक दुनुए बच्चे से ऐसा छलकपट? तुम मेरे सामने फिर क्यों आई? मेरा मुंह नहीं देखना चाहती थी ना? माँ का ममता भरा हृदय जो ठहरा, यदि तुम्हें आखिरी घड़ी तक भी विनाश से बचा सकूं तो। विनाश मेरा नहीं, मेरे शत्रुओं का होगा। मेरी मान जाओ मेरे लाल। तेरी मानकर तो मैं इतना दुखी हुआ हूँ। जब से तेरा कहा मानना बंद किया है, मेरी जीत हो रही है। मुझे अब तेरा उपदेश नहीं चाहिए। महामंत्री, जाओ सर तैयार करो। मैं की माया से तुम्हारा भला नहीं होगा। तो मेरी भुजाओं का बल कुछ कम नहीं? इनसे भी कुछ नहीं होगा। फिर इन भुजाओं को भोलानाथ के आगे टेक कर उनके चरणों में शीश झुकाओ। शरण आए हुए पापियों को भोलानाथ मुक्ति देते हैं। ओह, बहुत बकवास करने लगी है। अंधक, जब मैं विजयी होकर लौटूं तो भोलेनाथ की भक्ति को जीवित न देखूं। ये मेरी आज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? जिस माता के आशीर्वाद से आपको इंद्रासन मिला, उस माता से ऐसा अनुचित बर्ताव करके आप कभी सुखी न होंगे। ज्यादा होशियारी न दिखा मूर्ख,
मेरी आज्ञा का पालन हो, नहीं तो सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भले ही कर दीजिए महाराज, पर ऐसी आज्ञा का पालन मुझसे कदापि न होगा। नीच, अधम, क्रोधी, नीच राक्षस, तेरे पाप भोलानाथ कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैं तुझे और तेरे भोलानाथ दोनों को ठिकाने लगाता हूं। अब बुला अपने भोलानाथ को रक्षा के लिए। जय भोलानाथ, हर हर महादेव। जय भोलानाथ, हर हर महादेव। प्रभु, कहाँ इतने बड़े बड़े असुर और कहाँ मेरा नन्ना कुमार। हर हर महादेव। मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। धन्य हो भगवंत, भक्त के लिए तो नंगे पैर दौड़े और अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं, परंतु मैं तो माँ हूँ, पुत्र भी योगी माँ। कुमार, मेरा कुमार। जय भोलाना। अच्छा, युद्ध से लौटने के बाद देख लूंगा। तुमने जीवन भर मेरी भक्ति की है, मांगो क्या मांगती हो। प्रभु, यही कि सत्य की जय और पाप का नाश हो। तथास्तु। छोकरे, हम तुझे अब भी चेतावनी देते हैं कि जीने की लालसा है तो मैदान से भाग जा। मैं लड़ने आया हूँ, भागने के लिए नहीं। भाग तो तुम गए थे। ओ, ये अकड़। छोकरे, अब तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी माता का हुआ। मैं दिखाओ इसे इसकी माता का शीश। पुत्र को बचाने हमसे लड़ने आई थी। ये तो मेरी माता जी का सर नहीं। अरे, ये तो मेरी माता का सर। मैं ये क्या किया महाराज? मैंने तो पहले ही आपको चेतावनी दी थी कि जगदम्बा के सामने मेरा जादू नहीं चलेगा। लेकिन मेरी माता का सर? माँ, पुत्र होकर जिसने माँ का शीश काटने की आज्ञा दी थी, उसे माँ के लिए शोक प्रकट करने का दम्ब अब कैसा। माँ, तू सचमुच चली गई? जिस ममता भरी माता के आशीर्वाद से तुझे इंद्रासन मिला था, उसी माता को मौत के घाट उतारने वाले तारक, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं। मैं अजय हूँ, अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। नीच बालक, आ जा मैदान में।
माँ, बेटा। जगत जननी, आपका कुमार विजय हुआ और कपटी तारक। देवराज, सत्ता के मद में चूर होकर ईश्वर का द्रोह करने वाले की आखिर यही दशा होती, इसलिए मिली हुई सत्ता का उपयोग जरा संभाल के करना। हाँ, हर हर। कौन? वत्स तारक? हाँ भगवान, आपकी माया का ये खिलौना टूट फूट कर आकर आपके चरणों में आ ही गया। कल्याण हो वत्स। अद्भुत और न्यारी लीला है तुम्हारी विश्वनाथ। स्वयं